एंड वेलकम टू माई व्लॉग। हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ के सवेरे के बज रहे 8 और मैं अपना नाश्ता कर रही थी विथ ब्लैक चाय। ओके, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आज ना मैं लंच का एकदम सिंपल देसी वाला नाश्ता बनाऊँगी, जो हम लोग ना कहीं एक गांव में जाते हैं वहाँ पे खाते हैं, मुझे ना वो याद आ रहा था, यू नो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं चावल की रोटी बनाऊँगी और आलू मेथी सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत ही इजी यमी बनती है ना, एकदम देसी इंडिया याद आ गए जाएगा आप लोगों को। तो मैंने ना एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। और यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ फ्लार लिया है, राइस फ्लार। तो पानी जब बॉईल होने के बाद आपको ये दोनों कप जो आटा है आपको डालना है और उसको अच्छे से ना मिक्स करना है। पानी बहुत ही बॉयल होता है तो मेक श्योर यू डोंट हर्ट योर सेल्फ। ओके, तो अच्छे से ना उसको मिक्स कर दो और उसको 2 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने रख दो। आफ्टर 5 मिनट्स मैंने जो पूरा अपना डो था वो एक बड़े से प्याले में डाल के उसको ना नीड किया है। यू हैव टू मेक इट अ नाइस सॉफ्ट डो जब तक वो सब फ्लार ना एक यू नो फॉर्म ऑफ बॉल ना हो जाए। गर्म होता है तो मैं थोड़ा सा ना आराम से कर रही थी, मुझे भी गर्म गर्म ना थोड़ा सा लग रहा था। तो ये सब रेडी करके ना मैंने फिर नीड करके रख दिया था। तो बिस्मिल्लाह बोल के मेथी आलू बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, उसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है, थोड़ा सा मैंने क्यूमिन डाला है और उसको जब तक वो थोड़ा सा ना फ्लैटर ना हो जाए उसके बाद में मैंने ऐड किया है 1 chopped onion। तो ऑनियन अच्छे से सॉटे हो चुका है, देन आई हैव एडेड 1 baked potato। पटेटो ना अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा ना कुक होना चाहिए वो मसालों में। और उसके बाद में मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली। तो सब कुछ सॉटे होने के बाद फिर मैंने डाल दिया है 1 टमेटो। सब कुछ मसाला कुक कर दो अच्छे से, फिर आपको ऐड करना है आपके ड्राई स्पाइसेस। कीप द स्पाइस लेवल अकॉर्डिंग टू यू वॉन्ट, पर मैंने बहुत ही माइल्ड रखा है, जो कि है थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मेथी मैंने वॉश करके ना अच्छे से धो के रख दिया है और वंस द मसाला इज सॉटेड वेल आई हैव एडेड द मेथी। और सब कुछ डालने के बाद मैंने ना 1/2 कप डाला है कोकोनट। तो उसके बाद में आपकी मेथी तैयार है एंड नाउ लेट्स मेक द चावल की रोटी। तो चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने छोटे से ना गोल पेड़े किया है और थोड़ा सा ना राइस फ्लावर डस्ट किया है उसके ऊपर। बहुत ही सॉफ्टली आपको बेलना है उसको रोल, अदरवाइज वो फट जाएगा। और मैंने पैन लिया है और पैन पे ये बनाया, जैसे हम लोग अपना गेहूँ की रोटी बनाते हैं व्हीट की, वैसे ही इसको बनाना है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्दी आई फील एंड आई डू इन्जॉय इट, आई मीन ऑल माई फैमिली इन्जॉय इट एंड आई एम श्योर यू गोन इन्जॉय इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So again see you with another vlog and another easy peasy recipe inshallah। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और दुआ में मुझे याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।